मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार को केंद्र से अनुरोध किया कि यदि केंद्रीय बलों की मौजूदगी से हिंसा नहीं रुकती है तो राज्य से उनको वापस बुला लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में राजकुमार इमो सिंह ने कहा कि यदि केंद्रीय बल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो जातीय संघर्ष प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास के लिए राज्य सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में करीब 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद शांति नहीं आई है। भाजपा के विधायक राजकुमार इमो सिंह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी शांति स्थापित नहीं कर पा रही है, इसलिए बेहतर है कि ऐसे बलों को हटा दिया जाए जो ज्यादातर मूक दर्शक के रूप में मौजूद रहते हैं। उन्होंने इस बात को माना कि राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग की कमी की वजह से हाल ही में असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को वापस बुलाने की कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार इमो सिंह ने कहा कि हम असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को हटाने की कार्रवाई से खुश हैं जो राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग नहीं कर रही थी। यदि इन और अन्य केंद्रीय बलों की उपस्थिति हिंसक को नहीं रोक सकती है तो बेहतर है कि उन्हें हटा दिया जाए और राज्य बलों को कार्यभार संभालने और शांति लाने दिया जाए। भाजपा विधायक ने प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार एकीकृत कमान प्राधिकरण को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार को हस्तांतरित करे। उन्होंने हिंसा को रोकने में वर्तमान व्यवस्था को अप्रभावी बताते हुए इसकी आलोचना की और तर्क दिया कि इस समय एकीकृत कमान को निर्वाचित सरकार को हस्तांतरित करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार को एकीकृत कमान सौंपनी होगी और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के मुताबिक कार्य करने की अनुमति देनी होगी। पिछले साल राज्य में हिंसा भड़कने के बाद गृह मंत्रालय ने CRPF के पूर्व महानिदेशक कुलदीप सिंह को मणिपुर सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। कई एजेंसियों और बलों की रिपोर्ट के देखरेख करने के वाली एकीकृत कमान मणिपुर सरकार के परामर्श से परिचालन आवश्यकताओं का समन्वय करती है। इमो सिंह ने केंद्र सरकार से उन उग्रवादी और विद्रोही समूहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी आह्वान किया। उन्होंने अभियान निलंबन SOO समझौते के आधारभूत नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने अमित शाह से इन समूहों के साथ SOO समझौतों को रद्द करने का आग्रह किया जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार इमो सिंह ने हथियारों और गोला बारूद के वित्त पोषण को आपूर्ति की जांच का अनुरोध किया जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे संघर्ष बढ़ रहा है। राजकुमार इमो सिंह ने केंद्र सरकार से स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच राजनीतिक वार्ता और सहभागिता शुरू करने का भी आग्रह किया।